हाई एंड वेलकम टू द स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर iOS डेवलपमेंट। मैं हूँ फहद हुसैन और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। सेशन के अंदर हम डेटा टाइप डिक्शनरी को देखेंगे कि स्विफ्ट में डिक्शनरी का क्या कॉन्सेप्ट है, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से स्विफ्ट में इसको हैंडल किया जाता है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो और यहाँ पर आने के बाद इसके प्ले लिस्ट पर मौजूद तमाम वीडियो को विद ईज़ आप वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड कोड या जो चीज़ें भी मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहा होता हूँ वो तमाम मेरे ब्लॉग पे फ्रीली अवेलेबल हैं। यहाँ पर आने के बाद वो तमाम चीज़ें आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जो कि प्रीवियसली रिलेटेड वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर हम स्क्रैच से स्विफ्ट को कंसिडर कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको पर वक्त जानकारी मिले। तो इस वक्त ऑनलाइन ID पर मौजूद हूँ और इस ऑनलाइन ID के अंदर हम सबसे पहले डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद ऑफलाइन यानी एक्सकोड के अंदर भी उस चीज़ को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो डिक्शनरी एक्चुअली है क्या? हमने एरे पर काम किया और इसके अलावा जो सिंपल डेटा टाइप्स हैं उन पर भी हमने काम किया। तो ये एक सिंपल कंटेनर है डिक्शनरी, जिसके अंदर वैल्यू जो है वो मल्टीपल डेटा वैल्यूज़ एक साथ की एंड वैल्यू बेस्ड सेव होती है। की एंड वैल्यू बेस्ड से मुराद ये है कि जिस तरह से एरे में इंडेक्स नंबर उसका एक की है, इसी तरह डिक्शनरी के अंदर हम अपनी मर्ज़ी से एक इंडेक्स नंबर बनाते हैं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो की एंड वैल्यू दोनों बताएंगे जिसके बेस पर ये चीज़ें सेव होंगी। प्रॉपर्ली बहुत जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी कंट्रीज़ के डिफरेंट कंट्रीज़ के कैपिटल को किसी एक लिस्ट में या एक डिक्शनरी में सेव करना चाह रहे हैं तो इसके लिए मैं कंट्री के नेम्स के साथ उसके कैपिटल सिटी को लिख सकता हूँ, ठीक है। या इस फॉर्म पर किसी भी फॉर्म पर हम कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ को डिक्शनरी के फॉर्म पर सेव करवाते हैं तो वहाँ पर हमें इस डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डिक्शनरी बनाते किस तरह से हैं। तो हम जिस तरह से डेटा टाइप्स लेते हैं किसी भी तरह की, हम किसी भी फॉर्म पर डेटा टाइप्स ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिक्शनरी बनाया जिसका नाम रखा मैंने एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस डिक्शनरी को मैं एम्प्टी बना रहा हूँ और उसके बाद आप यहाँ पर आकर बताओगे कि जो की एंड वैल्यू होगी आपकी वो किस डेटा टाइप्स की होगी, यानी की कैसी होगी और वैल्यू। तो मैंने कहा कि की जो है हमारी वो स्ट्रिंग होगी और जो उसमें वैल्यू सेव होगा फॉर एग्ज़ाम्पल वो इंटीजर डेटा टाइप का होगा। दोनों चीज़ें बता दी मैंने, इक्वल साइन लिया और लार्ज ब्रैकेट के अंदर अब मैं स्ट्रिंग बेस की एंड वैल्यू बताऊंगा। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल ए, और ए की वैल्यू है 1, कॉमा से सेपरेट किया, फिर स्ट्रिंग पे लिखा मैंने बी और कॉलन और उसकी वैल्यू बता दी। तो कॉलन पे मैंने 33 लिखा। इसी तरह मैंने स्ट्रिंग पर सी बताया और इसकी वैल्यू में मैंने 66 सेव करा दिया, एंड सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह से एक डेटा टाइप्स विच मीन डिक्शनरी बनाने का तरीका ये है। अभी मैंने यहाँ पर एम्प्टी लिखा, मैं इसको वैल्यू कर देता हूँ, मैं एम्प्टी का तरीका अभी आपको बाद में बताऊँगा। इसी तरह से मैं एक और डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ और अब मैंने इसका नाम रखा 1 और इसमें मैंने की वैल्यू दोनों नहीं बताई क्योंकि ये एक सेपरेट डिफ़ॉल्ट इसमें मौजूद है कि स्ट्रिंग डिक्शनरी होती है और स्ट्रिंग डिक्शनरी के अंदर वैल्यू इंटीजर होती है, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से चेंज करने के लिए यहाँ पर डेटा टाइप बताऊँगा। तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्टली आता हूँ और इसी वैल्यू को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो दोनों जो है यहाँ पर डिक्शनरी को फुलफ़िल कर रही है डेफिनेशन के मुताबिक। अब दोनों को प्रिंट करवाते हैं। इट इज़ योर फर्स्ट डिक्शनरी, कॉपी पेस्ट, एंड हेयर इट इज़ योर सेकेंड डिक्शनरी, हियर वी गो, रन दिस प्रोग्राम एंड हेयर इट इज़। आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर डिक्शनरी के फॉर्म पर प्रिंट हो गई। अब जैसे हमने स्टार्टिंग पे जिक्र किया कि मैं अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ को स्टोर करवाना चाहता हूँ और डिफ़ॉल्ट तौर पे ये स्ट्रिंग एंड वैल्यू बेस होती है, अब मैं तीसरा यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका नाम 2 रखता हूँ और अब मैं इसे रिवर्स कर रहा हूँ। देखो मैंने इसे कर दिया इंटीजर और इसे कर दिया मैंने स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं 1 पहले बताऊँगा और स्ट्रिंग वैल्यू बाद में। तो अब मैंने यहाँ पर 33 कॉलन लिखा और अब मैंने यहाँ पर 66 कॉलन रखा, उसकी बेस पर मैं डिक्शनरी को प्रिंट करवाता हूँ। नाउ द थर्ड वन, और उसके बेस पर आप देखोगे कि अब मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर डिक्शनरी को क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से डिक्शनरी क्रिएट की जाती है और उसमें वैल्यू स्टोर की जाती है। अब बात करते हैं एम्प्टी डिक्शनरी की, यानी हमें कुछ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ में बाद में स्टोर करवाने की ज़रूरत है तो मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकता हूँ। एम्प्टी डिक्शनरी के लिए आप चाहें तो वैल्यू टाइप बता सकते हैं, इस रूल से भी काम कर सकते हैं, इस रूल से भी काम कर सकते हैं। तो मैं इसी रूल को फॉलो कर लेता हूँ। तो मैंने इसे कॉपी किया
पेस्ट किया और अब एम्प्टी डिक्शनरी का मतलब है यहाँ कोई वैल्यू ना हो, लेकिन कोई भी वैल्यू ना होने के लिए भी ज़रूरी है कि आप यहाँ पे कॉलन ज़रूर बताएं। ये इस बात को इंडिकेट करेगा ना इसकी कोई की है यहाँ पर, ना ही इसकी कोई वैल्यू है, तो ये क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। लिहाजा मैं स्पेस को यहाँ से हटाते रहूँ। अब जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये कॉलन के ही साइन को यहाँ पर प्रिंट करवा पाएगा। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा और उसके बाद एग्जीक्यूट किया। ओके, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। बिल्कुल सही, मैंने यहाँ पर कॉलन मिस किया हुआ डेटा टाइप का, एंड हियर इट इज़। तो इस तरह से हमने देखा कि हम डिक्शनरी किन किन तरीकों से बनाते हैं और किस तरह से उसमें वैल्यू लिख कर प्रिंट करवाई जा सकती है। अब बात ये होती है कि हम आइट्रेट कैसे करवा सकते हैं इन तमाम वैल्यूज़ को। आइट्रेट कराने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं एज लाइक एरे। सबसे पहले आइट्रेशन की अगर बात की जाए तो फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट एरे है इसके मैं इस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो एरे के अंदर तुम जीरो लिखते थे, अब यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, ए। तो मैंने पहले वाले वैल्यू को प्रिंट किया और अब मैं यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में की लिखूंगा। ये की है, ये इसकी वैल्यू है, लिहाजा इस बेस पर वन प्रिंट हो जाना चाहिए। प्रिंट करते हैं, एंड हियर इट इज, वन प्रिंट हो गया। ये वार्निंग है, इसको आप इग्नोर करें, ये ऑप्शनल वन के साथ यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो गई। इसी तरह से तमाम वैल्यूज़ को अगर प्रिंट करवाना है इस जो वैल्यूज़ डिक्ट के अंदर मौजूद है, तो हम यहाँ पर लूपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लूपिंग के लिए मैंने लिखा फॉर आई एंड जे, दो वेरिएबल्स लिए, किसमें से मुझे कलेक्शन वैल्यूज़ लेनी है, वैल्यूज़ डिक्ट से, वो मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, लूप की बॉडी बनाई और अब यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊँगा आई एंड जे को। तो आई एंड जे को डायरेक्टली प्रिंट करवाने के लिए आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्लैश स्मॉल ब्रैकेट आई स्पेस स्लैश स्मॉल ब्रैकेट जे यूज़ कर सकते हैं। तो वैल्यू डिक्ट से आई की लेगा और जे वैल्यूज़ लेगा और इस बेस पर हर आइट्रेशन पर यानी हर लाइन पर तीनों वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। लिहाजा इस बेस पर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। ओके, रिप्लेसिंग विथ अंडरस्कोर और रिमूविंग इट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है। दैट्स इट, रन किया अगेन, एंड हियर इट इज। आप देख रहे हैं कि तीनों यहाँ पर वैल्यूज़ की, ए सी बी जो है वो की है और 166 एंड 33 वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये भी देख लिया कि हम तमाम लिस्ट की वैल्यू, डिक्शनरी की वैल्यूज़ को किस तरह से आइट्रेट करके उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह से आप चाहें तो कुछ स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जो एज़ यूजुअल की जाती है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन और वर्किंग थी डिक्शनरी की, कि डिक्शनरी के अंदर किस तरह से वैल्यूज़ डिफरेंट की एंड वैल्यू बेस्ड डेटा टाइप भी हो सकती है, डिफ़ॉल्ट क्या है, किस तरह से तमाम वैल्यूज़ को प्रिंट करवाते हैं, इंडिविजुअल वैल्यू प्रिंट किस तरह से होगी और अगर हम तमाम वैल्यू को आइट्रेट करना चाहते हैं तो उसे हम किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, सिमिलरली दो बिल्ट इन मैथड्स इसके होते हैं जिसके ज़रिए से आप अपने डिक्शनरी को चेक कर सकते हैं कि डिक्शनरी आइदर एम्प्टी है या नहीं है, जिसको इज एम्प्टी मैथड्स कहते हैं, जो कि बिल्ट इन मैथड होता है। इसी तरह से आप जिस तरह से एरे का काउंट मालूम करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप डिक्शनरी का भी काउंट मालूम कर सकते हैं। लिहाजा इसके लिए दो बेसिक मैंने इसी डिक्शनरी पर मैथड्स को कॉल किया हुआ है और इसके बेस पर आप देख रहे हैं कि मैंने इस काउंट का मतलब है कि इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं उसका काउंट, और इज़ एम्प्टी बुलियन वैल्यू को रिटर्न करता है विच मीन आइदर ट्रू या फॉल्स। इस बेस पर अगर मैं प्रोग्राम को रन करूं तो आप देखेंगे कि हमें 3 इसका काउंट मिला, जबकि इस फॉल्स, फॉल्स का मतलब ये है इज़ एम्प्टी में कि ये एम्प्टी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को इस एम्प्टी डिक्शनरी से कंपेयर करूं एज लाइक दिस और उसके बाद प्रोग्राम को रन करूं तो वैल्यू विल बी ट्रू एंड हियर इट इज़। तो इस तरह से ओवरऑल हमने डिक्शनरी के अंदर मौजूद लॉजिक को समझा कि डिक्शनरी क्या है, किस तरह से ये चीज़ों को हैंडल करती है, क्योंकि इन फ्यूचर जब हम iOS के अंदर डेवलपमेंट करेंगे तो वहाँ पर इन्हीं लॉजिक का हमें इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि हमें वर्किंग समझ में आए। यहाँ पर बताने का मकसद ये, तो ये तमाम कोड जो कि यहाँ पर मैंने परफॉर्म किया मेरे ब्लॉग fahadhussaincs.blogspot.com पर आपको मिल जाएगा, जहाँ फ्रीली इन चीज़ों को आप डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। अब मैं इसी कोड को जो कि मैंने ऑनलाइन आईडी पे परफॉर्म किया है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसके बाद अपने ऑफलाइन मशीन पे चलता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं उन तमाम कोड को पेस्ट करता हूँ और उसके बेस पर हम प्रोग्राम को रन करते हैं। लेट्स सी, एंड हियर इट इज। तो ये वार्निंग है एक्सप्रेशन की, इसको हम इग्नोर करते हैं। बाकी तमाम वैल्यूज़ हमारी बिल्कुल इसी तरह से प्रिंट होकर आ रही है जिस तरह से एज यूजुअल पहले आ रही थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त मिले। तमाम कोड आपको ब्लॉग से मिल जाएगा। थैंक यू।